देखिए जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे में अब अगले सवाल का समय हो गया और अगला सवाल हमने पूछा कि इंडिया गठबंधन कितना कारगर नजर आ रहा है। तो 11% लोग ही कह रहे हैं कि गठबंधन बहुत अधिक कारगर लगा, 17% लोग मानते हैं कि ये कुछ हद तक कारगर साबित होगा। और आगे पढ़ लीजिए ना शोभना जी, आप रुक गई, देखिए गला खराब हो गया इसीलिए। लोगों का कहना था कि विपक्षी गठबंधन कमजोर साबित होगा, 6% लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। आइए दीपक जी, तो मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फांसी क्या। शोभना जी का दर्द वही झलक रहा है क्योंकि 66% देश की जनता। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा इंडिया में क्यों लग रहा है, इंडिया में आई के साथ डाउट है, आई के साथ भी डाउट है, एन के साथ भी डाउट है, बी के साथ भी डाउट है, आई के बाद फिर डाउट हो गया और ए के बाद फिर डाउट हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई भी सरकार आएगी उससे शोभना यादव को कोई असर पड़ेगा। ये दर्द का संगीत यहाँ तैर रहा था क्या? और मुझे खुशी है कि देखिए संगीत रागी जी मेरे दर्द का और मेरी खुशी का इतना ध्यान रखते हैं। तो चलिए जी और न्यूज और मेटराइज, स्थिति वैसे ही है ना जैसे दांतों के बीच में जीव की स्थिति होती है। बिल्कुल ठीक है जी, न्यूज और मेटराइज के सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में अब हमें केरल की भी बात कर लेनी चाहिए। और केरल में 20 सीटें हैं लोकसभा की और केरल का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है वो देखिए आपके सामने है। कुल 20 सीटों में इंडिया अलायंस को अच्छी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। सर्वे की अगर माने तो यहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। अरे तो, वो दो हैं वो आपस में है ना, आपस में बांट रहे हैं। और आपको पता नहीं राहुल गांधी के खिलाफ डी राजा जो सीपीआई के महासचिव है उन्होंने अपनी पत्नी एनी राजा को खड़ा कर दिया है शोभना जी जी, और वो एक फाइट हो रहा है। अब इसको कैसे समझा जाए मनोज जी, इसको कैसे समझा जाए? केरला में जितने स्ट्रॉन्ग स्थिति में आरएसएस की वहाँ विंग है और आरएसएस की सारे विंग काम करते हैं और बीजेपी की भी है, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी जो मजबूरी है इनके साथ कि जो कास्ट का कॉम्बिनेशन बनता है वहाँ पे वो बीजेपी को सूट नहीं कर पा रहा और यही कारण है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसी में थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाए। दूसरी बात एक मेरी बोलना चाहूंगा जी जी मनोज जी, मैंने बीजेपी के बहुत बड़े लीडर्स और आरएसएस के बहुत बड़े थिंक टैंक थे उनसे एक बार पूछा था कि केरल में आप इतने काम के बाद आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। उनका कहना है चर्च एंड अदर कम्युनिटीज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन अस। उनका कहना था कि चर्च और दूसरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है बहुत स्ट्रॉन्गर है, बहुत पैसे वाली है, डोमिनेट करती है। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि अभी चर्चा हुआ था कि जिस तरह से हिंदुत्व की बात हो रही थी कि साउथ में क्यों नहीं हो पा रहा, देखिए साउथ का हिंदुत्व है जो नॉर्थ के हिंदुत्व से एकदम अलग है। वहां पे मुस्लिम शासक जाकर मंदिरों को न तोड़ा है और न कोई उनका कोई निर्माण हुआ है, तो इसलिए जो वहां के लोग हैं वो धर्म के प्रति एक पूजा पाठ के और प्रेम के साथ करते हैं, उनके जो एग्रेसिव होना चाहिए मुसलमानों के प्रति या किसी कम्युनिटी के वो नहीं होता है और उनके नेचर में भी वो नहीं है, तो ये कारण है कि साउथ में हिंदुत्व उस तरीके से नहीं पनप पा रहा है। मनोज जी आप यहाँ पे डिफर करूंगा क्योंकि दीपक जी देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, कर्नाटक के अंदर हिंदुओं के बहुत सारे नहीं, कर्नाटक को साउथ में नहीं डाला जाए, पहली तो बात है कर्नाटक साउथ पार्टी नहीं है। केरला जीनी